नमस्कार, मैं हेमंत मिश्रा, सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बता दूं कि तमाम जगहों पर जिस तरह से अतिक्रमण को लेकर मामले चल रहे हैं, प्रदेश में अलग अलग जगहों पर सड़क के दोनों तरफ स्थित तमाम दुकानें, रेस्टोरेंट्स, शॉप्स, जितने भी चीजें हैं उन सभी के ऊपर जिस तरह से प्रशासन की मार लगी हुई है, ऐसे में कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी की तरफ जहां सिलवासा बढ़ रहा है, वैसे ये सभी लोग क्या कहते हैं इस विषय पर, क्योंकि यहां इस वक्त यहां पर सड़क के दोनों ही तरफ स्थित जितने भी दुकानें हैं, जितने भी अतिक्रमण लगाए गए हैं, उन सभी के मालिक और कुछ लोग हैं जो व्यापारी यहां पर लगातार वर्षों से कर रहे हैं। आइए जानते हैं यहां के लोग क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर। सबसे पहले मैं महिलाओं से आप लोगों को अवगत कराना चाहूंगा, क्योंकि यहां पर महिलाएं भी हैं कुछ, तो क्या कहना चाहेंगी। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से अतिक्रमण को लेकर जिला प्रशासन शहरीकरण की प्रक्रिया को लेकर स्मार्ट सिटी की तर्ज पर आगे बढ़ रही है, वैसे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर। ये जो शहरीकरण की प्रक्रिया वो बहुत अच्छी है, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी में जो हमारी दुकानें हैं वो सब तोड़े है, उसके खिलाफ हमारा आंदोलन है, क्योंकि ये सब जो दुकानें हैं वो हमारी प्राइवेट दुकान है, सरकारी नहीं है। सरकार अपनी जगह पे कब्जा करे, हमारी जगह पे कब्जा क्यों कर रही है, हमारा ये कहना है। हमारी दुकानें क्यों तोड़ रही है, सरकारी जगह में जो लोगों ने दुकान बनाई है, जो कुछ भी किया वो तोड़े ना, हमारी दुकानें क्यों तोड़े जो हमने मेहनत से बनाई है और जो हमारी खुद की जगह में है। और वो बहाना कर रहे हैं कि आप पार्किंग चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो गलत बात है। अच्छा, अगर हम पार्किंग करके दे देंगे तो भी क्या गारंटी है कि लोग वहीं आके ही पार्क करेंगे, गाड़ी रास्ते पे पार्क नहीं। ये हमको गारंटी चाहिए कि अगर हमने पार्किंग की जगह खाली करके दी तो पार्किंग वहीं होना चाहिए, रास्ते पे पार्किंग नहीं होना चाहिए, हमको इस बात की गारंटी चाहिए। नहीं तो फिर सरकार हमें मुआवजा दे, जो हमारी जो नुकसान हो रहा है उसका हमें मुआवजा, जैसे नरौली में सबको उन लोगों ने मुआवजा दिया है, वैसा हमें भी मुआवजा दे। कितने आपके कितने दुकान है यहाँ पर? हमारे यहाँ पर 25-30 दुकानें हैं हमारी जी। यहाँ पर आप लोगों का दुकानें लगाते हैं? हाँ। कितने सालों से आप लोगों का यहाँ पे है? इधर हमारा मालिक है यहाँ पे। हाँ, हमारा खुद का जमीन है, 15 साल के। 15 साल से आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं? खुद का जमीन है जी। क्या चीज का दुकान है आपका? वो दुकान ही जी, भाड़े पे जी यहाँ पे दिया है आपने। और लगातार अगर बात करेंगे, हमारी दोनों ही तरफ देख सकते हैं भारी संख्या में, इस वक्त मैं पहुंचाऊंगा इस तरफ भी, एक बार दिखाइए कि किस तरह से लोग जो हैं लगातार मौजूद हैं यहाँ पर। ये सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे, जैसे ही हमें इन चीज़ की जानकारी मिली है कि लोग यहाँ पर मौजूद हुए हैं, तो हमारा पहला फर्ज बनता था कि ये चीज़ें दिखाई जाए समाज में आखिर क्या चल रहा है, ताकि प्रशासन भी इन चीज़ों पर ध्यान दे सके। दूसरी तरफ हमारे और भी कुछ लोग मौजूद हैं जो बताएंगे कि किस तरह, कितने टाइम से आपका दुकान था और क्या समस्या है आप लोगों की? मेरा 25 साल से दुकान है इधर जी। नगर पालिका वाले आए, बोलते हैं कि 2 दिन में खाली करो, पट्टा मार के गए जी। तो 2 दिन में कैसे खाली किया जाए? मतलब 2 दिन में आपको खाली करने के लिए नगर पालिका द्वारा बताया गया है? बताया गया है जी। आपका क्या समस्या है? हमारा समस्या यही है कि पहले जो आए वो क्या, पहला पत्रा उतार दो, 2 दिन के अंदर पत्रा उतार देना चाहिए, हम लोग ना दुकान का नुकसान होएगा ऐसा करके हम लोग ना पत्रा उतार दो, 1 हफ्ते के अंदर वापस आए कह दुकान खाली करो। दुकान खाली करने के बाद हम लोग जाएंगे कि कहाँ जाएंगे? सरकार के भरोसे हम लोग जी रहे हैं, पब्लिक के भरोसे, हम लोग की प्रॉपर्टी है, खुद की प्रॉपर्टी है, हम लोग ने मेहनत मजूरी करके थोड़े से दुकानें बना के भाड़े पर दी है जी। और वो लोग दुकान पर धंधा करके वो लोग का परिवार गुजारते हैं, अब ये लोग अचानक खाली करने को बोल दे तो वो कहाँ जाएंगे? जो सामान पड़ा है वो कहाँ डालेंगे? रहने के लिए घर नहीं है तो धंधा करके खाएंगे क्या और जिएंगे कैसे? वो कहाँ जाएंगे? तो उसके लिए हम लोग को थोड़ा टाइमिंग चाहिए, अभी बारिश का मौसम आ रहा है जी, तो उसके लिए 4-5 महीना हम लोग को मोहलत दे, उसके वजह से क्या कहीं और भी दुकान ढूंढ के उसकी व्यवस्था की जा सके, उसकी व्यवस्था हो जाती है और हम लोग को भी थोड़ा सहारा मिल जाता। कितने दुकान है आपकी? हम लोग का ये 25-30 दुकानें हैं। सब आप लोग वही सभी का? हम लोग का 4 बहनें। आपका क्या मामला है? मैं 20 साल से इधर हूँ जी, लेकिन अभी अचानक आया और खाली करने को बोल दिया, हमको कुछ पहले बताया नहीं कि भाई नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, अभी बारिश का समय है ऐसा जी। और आने वाले टाइम में प्रॉब्लम होगी? आने वाले टाइम में प्रॉब्लम होगी थोड़ी। क्या आपका क्या चीज का दुकान है? हमारा फोटो स्टूडियो है, डिजिटल फोटो स्टूडियो जी। हमारा भी 12-13 साल से शॉप है यहाँ पे जी। अभी 2 दिन में खाली करने के बोलते हैं, 2 दिन में अभी कहाँ शॉप ढूंढेंगे? अभी 2 दिन में दूसरी जगह मिलेगा भी नहीं, और सामान रखे तो कहाँ रखे सब चीज़ जी।
मतलब कुल मिलाकर आप सभी लोगों का ये समस्या है कि यहाँ पर जो चीजें हैं आप लोगों को नगरपालिका बगैर किसी चीज की सूचना दिए बगैर इस तरह की चीजें कर रही है, जिसको लेकर ये सभी लोग अपनी मांगे हमारे चैनल के माध्यम से प्रशासन के आला अधिकारियों के बीच रख रहे हैं। सुरेश जी, किस तरह से सामाजिक चीजों पर भी आपका नजर रहता है, आज आपका भी यहाँ पर ऑफिस हुआ करता था और है भी शायद, तो किस तरह की चीजें खास तौर पर मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि सभी लोगों की कुछ ना कुछ समस्याएं इस तरह से चीजें हैं कि आने वाले दिनों में शहरीकरण की प्रक्रिया अगर होती है, सिलवासा अगर स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ रहा है तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कि अभी आपके यहाँ पर लोगों ने बोला, यहाँ के व्यापारियों ने बोला, यहाँ के दुकानदारों ने बताया, तो आपका क्या कहना है, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन के बीच, क्या गुहार लगाना चाहते हैं? पहले तो ये बोलना चाहूंगा कि स्मार्ट सिटी अच्छी चीज है, लेकिन स्मार्ट सिटी बनाने के लिए गरीब व्यक्ति को कुचल के अगर स्मार्ट सिटी बना रहे तो वो स्मार्ट सिटी कोई काम की नहीं है। दूसरा, आपको ये बताऊंगा, ये जो भी खड़े हुए हैं इनकी रोजी रोटी इसी पे चल रही है, और छोटे ये पहले रोड पे लगाया करते थे, तो इन्होंने रोड से हटाया, अभी ये भाई साहब रोड पे लगाते थे और रोड से उनको वापस हटा के इन्होंने जैसे करके दुकान लिया, अभी दुकान जैसे जैसे सेट हुआ है तो उनको वहाँ से वापस तोड़ा जा रहा है, और अचानक आके जो पहले पत्र निकालना बोला बाद में अभी दो दिन बाद ये, अरे भाई आदमी करेगा क्या? और दूसरा बात कि अभी टूटेगा उसके बाद भी ये गारंटी नहीं दे रहे कि तुम बनाओ पीछे जी, परमिशन लेके बनाओ, अभी परमिशन लेके अगर बनाना ही होता तो ये पत्र के थोड़ी बनाते, और सदर भी इतने होने चाहिए तो ये, और मतलब सिलवासा में जो मैं बोल रहा हूँ कि जो चुने हुए प्रतिनिधि के हाथ में रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, काफ़ी आदमी को बुरा भी लग रहा है, कई आदमी मेरे को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन हम तो आप पे निर्भर है ना, और चुने हुए प्रतिनिधि कम से इकट्ठा होके हर वार्ड के इकट्ठा होके, आप लोगों के बीच कोई चुने हुए प्रतिनिधि आया है इस मामले के बाद? हाँ, एक जिस दिन हुआ था उसी दिन में तुरंत ही आधे घंटे में यहाँ पहुंच गया था, तो सुमन भाई पटेल आए थे और मैं और सुमन भाई तुरंत ही राकेश भाई से मिले, अपने सीओ साहब से मिलने गए थे, और सिलवासा स्मार्ट सिटी जो प्रभारी है परमार जी, उनसे भी हमने मुलाकात की, कलेक्टर साहब को भी मिलने गए थे हम लोग, पर लेकिन आश्वासन खाली मिल रहा है, काम नहीं हो रहा है, तो लोगों को तकलीफ है, लोग डरे हुए हैं, कई आदमी खाली कर दिया है, तो ये जाए बारिश के टाइम पे जाएंगे कहाँ, इनके बच्चे का स्कूल फी भरना, ये सब भरना, अभी ऐसे ऐसे आदमी आए कि मैंने 50,000 रुपया अभी बच्चे का भर के आया हूँ और ये दुकान टूट रहा था, मैं मेरा चलाऊंगा कैसे? सुरेश जी, मैं ये चाहूंगा कि जिस तरह से आप लोगों की बातें हैं, मैं चाहूंगा कि आप हमारे चैनल से प्रशासन के आला अधिकारी जो इस वक्त आपको हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके द्वारा ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो प्रशासन के अधिकारी है कि कम से कम आप जो आपके आदमी आ रहे हैं तोड़ पट्टा मार के बोलते हैं तोड़ दो, आप खुद आके निरीक्षण करें एक बार कि ये उस लायक है क्या तुम रोड पे ला रहे हो। मैं तो बोल रहा हूँ कि हम आपके ऊपर निर्भर है, आपके ऊपर ही निर्भर है, यहाँ चुने हुए प्रतिनिधि कुछ चल नहीं रहा है तो आपके ऊपर निर्भर है, तो कम से कम उनको मुद्दत तो दो। सामने बारिश आ रही है, बच्चों का एडमिशन करवाया है, घर का भाड़ा भर नहीं पा रहे, ऐसे कोरोना से इन लोग उभर नहीं पाए थे और फिर वापस ये, तो मैं प्रशासक को बोलना चाहूंगा कि कम से कम आगे, उस दिन कलेक्टर साहब बोला कि मैं खुद आऊंगा वहां देखूंगा, लेकिन उसको कोई आया नहीं जी। अगर मेरे को ऐसा लगता है कि इन लोग सही में तकलीफ में है तो मैं उनको राहत दूंगा, लेकिन कोई आया नहीं। अभी ये बेचारे रोज फोन करके, हम समाज से जुड़े हुए इसलिए फोन करके मतलब सुन रहे थे क्या होने वाला, तो हमें कुछ पता नहीं रहता है कब आ जाए, और इन लोग का डर यह है कि कब आ जाए, कब डोजर मार दे, भाई उसका पैसा भी देना है, मतलब बुलडोजर एक्टिव हो चुका है। हाँ, बुलडोजर एक्टिव हो चुका है। और मिश्रा जी बोलना चाहूंगा, हेमंत जी, दो तीन चक्कर इधर से मारता है लोगों का, खौफ जैसा हो गया है, मतलब सामने सड़क से अगर बुलडोजर गुजर गया तो भाई कहाँ जा रहा है, कि आपने उधर तो नहीं आ रहा है। अभी ये गरीब व्यक्ति को बोलते हैं कि दो दिन में तोड़ दो, जरा कैमरा थोड़ा उस साइड कर देना सर, ये देखो ये क्या है, और उसके होटल के ऊपर देखो, होटल के ऊपर देखो ये क्या है, उनको नहीं बोल रहे, अरे गरीब व्यक्ति को आगे बोले तोड़ दो, ये भी तो ध्यान देना चाहिए ना, ये भी तो अन्न के लिए है। अभी ये अभी इनको तो बेचारा डर है, उनको तो कोई डर ही नहीं है, क्योंकि बड़े ऐसे ऐसे हर होटल के ऊपर में वर्करों का रूम बना के रखा है, किसी ने शेड बना के रखा है, वो भी तो गलत बात है जी। ये तो रोजी रोटी कमा रहे, वो तो कमा भी रहे ना, ऊपर से अंदर ही आदमी को रख रहे, ऊपर अन्न के लिए बना के लीगल बना के रहो, मतलब एक्शन की जरूरत है उन जगहों पर, सबके लिए करो ना, आप खाली मध्यम वर्ग लोगों के लिए खाली करते हो, बड़े लोगों के लिए नहीं करोगे, थोड़ी चलेगा, कानून सबके लिए एक होता है। तो आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा कि कम से कम आपके इन लोग को, जो गरीब मध्यम वर्गीय है, इन लोग को कम से कम आप
कुछ वक्त का टाइम दे दे जो आपने संभल जाए। कुल मिलाकर देख सकते हैं व्यापारियों में और दुकानदारों में काफी दहशत का माहौल है। लोग बुलडोजर का नाम सुनते ही इस तरह से डर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। लेकिन ऐसे में मैं भी इन सबसे भी कहूंगा, साथ में जिला प्रशासन से भी ये कहूंगा कि अगर जरूरत पड़ती है तो अच्छी चीजों के लिए सभी साथ देने के लिए यहाँ पर तैयार है। स्मार्ट सिटी का कोई विरोध यहाँ पर नहीं कर रहा, लेकिन उनकी आजीविका पर जिस तरह का मार पड़ रहा है उस पर कहीं ना कहीं प्रशासन को जो है ध्यान देने की खास जरूरत है। ऐसे में सभी लोग कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हैं हमारे माध्यम से, जिस तरह से मैंने सोचा समझा और इन चीजों को देखा सुना है उसमें कहीं ना कहीं ये चीजें जरूर देखने को मिल रही है कि ये जो चीजें हो रही है उसमें प्रशासन को कहीं थोड़ी सी नरमी बरतने की जरूरत है। और साथ ही इन सभी के कॉन्फिडेंस में लेकर इन सबके बीच आकर इनके बीच पहुंचने की जो है प्रशासन के अधिकारियों को जरूरत है। कैमरा पर्सन आशीष और इस्लाम के साथ हेमंत मिश्रा, सिलवासा न्यूज़ लाइन, अमली।